नमस्कार, धाकर बेटी की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। आज एक बेहद खास बेटी को लेकर आए हैं हम इस कार्यक्रम के जरिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारे देश की बेटियां महिलाएं हैं, समाज के प्रति अपना योगदान कर रही हैं, उनको आपके समक्ष लेकर आए। आप भी जानें उनके बारे में, किस तरह से उनका योगदान है समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और किस तरह से इससे हमारा देश विकास करता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अनुसुया रॉय हैं, IIT दिल्ली से हैं। खास टेक्नोलॉजी पर इन्होंने काम किया, ये PhD कर रही थी और उसके बाद उन्होंने लगा क्यों नहीं मैं ही इस पे अपना कारोबार भी शुरू करती हूँ। तो उन्होंने एंटी माइक्रोबायल एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ऐसे उत्पाद बनाए हैं जो वाटर बॉटल्स हों, कॉस्मेटिक्स हों, आपके गद्दे हों, इन सबको डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो चीज़ें विदेश से आ रही थी वो ये लोग अब देश में ही बना रहे हैं और हमारी बेटी बना रही है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर अनुसुया रॉय से। अनुसुया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत ही बेहतरीन जो आप काम कर रही हैं, क्योंकि डिसइंफेक्ट करना अपनी वाटर बॉटल्स, कॉस्मेटिक्स, ये बहुत सादी चीज़ें हैं लेकिन रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे मैट्रेसेस, गद्दे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो पहले ये बताइए, ये टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे इसके बारे में आपने और ज्ञानवर्धन किया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम डॉक्टर अनुसुया रॉय है और मैंने PhD किया है IIT दिल्ली से एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे आपने कहा, मेरा जो अभी का जो बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो जो PhD थीसिस में हमने बनाया था, PhD के टाइम में हमने बनाया था एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, उसके आधारित है। सो इट्स एन एंटी माइक्रोबियल एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी। नाउ अगर मैं एंटी माइक्रोबियल की बात करूँ, माइक्रोबियल इज अ टेक्नोलॉजी दैट न्यूट्रलाइजेस माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब ये होता है जीवाणु। तो कई तरीके का जीवाणु होता है इन सराउंडिंग्स में, विच कवर्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगल एज वेल एज एल्गी। बहुत तरीके का जीवाणु होता है। हमारा जो टेक्नोलॉजी है एक्टिव कॉपर पे आधारित, ये टेक्नोलॉजी सारे जीवाणु को न्यूट्रलाइज कर देता है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और हमारा जो टेक्नोलॉजी से जो हमने प्रोडक्ट्स बनाया है, वो प्रोडक्ट्स कई सारे एप्लीकेशंस में जा सकते हैं। टेक्सटाइल्स में जा सकते हैं, पॉलीमर्स में जा सकते हैं, प्लास्टिक्स में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में जा सकते हैं, फोम्स में जा सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपने दिया है फ्रॉम वाटर बॉटल्स, वाटर कंटेनर्स, वाटर टैंक्स, टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स, ऑल काइंड ऑफ फैब्रिक्स, मैट्रेसेस, फुटवेयर, अपहोल्स्ट्री, ऑटोमोटिव में भी काफ़ी एप्लीकेशन है। जो कार्स है, बसेस है, ट्रक्स है, उसका जो स्टीयरिंग व्हील है, गियर शिफ्ट नॉब है, ये सारा चीज़ हम लोग एंटी माइक्रोबियल करते हैं। सो हमारा जो अभी का जो बिजनेस है, वो अभी हम लोग एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। तो ये काम कैसे करता है अनुसुया, ये काम कैसे करता है? ट्रेडिशनल साइंस में एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी या कॉपर टेक्नोलॉजी लेके काफी सारा आर्टिकल्स है। हमने जो किया है वो ट्रेडिशनल साइंस ऑफ कॉपर को लेके एडवांसमेंट ऑफ साइंस के साथ कपल करके ये टेक्नोलॉजी बनाया है। हमारा इसके ऊपर 4 पेटेंट है, टेक्नोलॉजी पेटेंट है। और ये काम हम लोग इंग्रेडिएंट बनाते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाते हैं कॉपर बेस्ड, और वो अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डाल देते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि कॉपर स्ट्रीम ऑफ आयंस रिलीज करता है। सो ये कॉपर आयंस पॉजिटिवली चार्ज होता है और माइक्रोब्स नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है। उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के माध्यम से कॉपर आयंस के साथ माइक्रोब्स का जो इंटरेक्शन होता है उससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो मेन जो चीज होता है, इसमें कॉपर आयंस रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कॉपर आयंस और कॉपर इज ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो कम डोज ऑफ कॉपर, वेरी लो डोजेस ऑफ कॉपर इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर इम्यूनिटी एंड हेल्थ। तो हमारा जो कॉपर रिलीज होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल्स में या वाटर कंटेनर्स में, तो वो कॉपर आयंस एक तरफ तो एंटी माइक्रोबियल का काम करते हैं, जीवाणु को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो फोर्टिफाइज। मतलब वो पानी में कॉपर आयंस रिलीज होने के कारण पानी फोर्टिफिकेशन होता है। तो वो अगर ड्रिंकर कोई उसको उस पानी को पियेंगे तो कॉपर का बेनिफिट आ जाता है, तो इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है।
सो दिस इज इन अ नटशेल अबाउट कॉपर टेक्नोलॉजी. हम लोग कॉपर टेक्नोलॉजी के अलावा भी काफी सारा मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं. सो वी आर अ मटेरियल साइंस स्टार्टअप विद फोकस ऑन कॉमर्शलाइजेशन. हम लोग चाहते हैं कहीं सारा रिसर्च होता है जो लैब में ही रह जाता है, हम लैब में ही रिसर्च करके उसको लैब तक रखते हैं या पब्लिकेशन या पेटेंट तक जाकर करते हैं. हम लोगों का फोकस है कि वो जो लैब में डेवलप किया हुआ जो टेक्नोलॉजीज है उसको कॉमर्शियलाइजेशन करके उसको बिजनेस में कॉन्वर्ट करके उसको इंडियन इंडस्ट्री में सप्लाई करना. आप सुन के ये हैरान हो जाएंगे कि इंडियन मार्केट में, इंडियन इंडस्ट्री में कहीं सारा इम्पोर्ट अभी भी हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके से. बहुत सारा मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी, बहुत सारा टेक्नोलॉजी जो इंडिया ऑलरेडी जानकारी है उनके उनके पास बनाने के लिए, वो सारा टेक्नोलॉजी यूएस या यूके से लेके अभी तक इम्पोर्ट कर रहे हैं. तो हमारा ये मेन फोकस है कि हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें बहुत सारे केमिकल्स को. सो हमारा कारण बहुत सारा रिसर्च चलते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. तो अनुसूया, जैसे अगर वाटर बॉटल में क्या कुछ एक कैप्सूल या कुछ गिर डाले जाएगा, कॉस्मेटिक्स में कैसे होगा, या मैट्रिसेस जो आपने मटेरियल की बात की उसमें कैसे काम करता है, थोड़ा ये बताएं. हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, बट इट हैज टू बी डन विद द मैन्युफैक्चरिंग हब. तो हमारा जो वाटर टैंक मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग, हमारा जो सोल्यूशन है वो एस्टल वाटर टैंक्स और सुप्रीम वाटर टैंक्स को सप्लाई करते हैं. तो हम लोग उनको पॉलीमर ग्रैन्यूल्स सप्लाई करते हैं. तो पॉलीमर ग्रैन्यूल्स मतलब प्लास्टिक या पॉलीमर का दाना होता है, उसमें कॉपर मिक्सिंग होता है. तो हमारा कॉपर लेवल अबाउट 20-40% रहता है और बाकी सारा पॉलीमर या प्लास्टिक होता है. और वो जब टैंक मोल्डिंग होता है, टैंक बनता है, उसके टाइम में हमारा प्रोडक्ट का डोजिंग होता है. तो इसके कारण क्या होता है, इसके एडवांटेज ये है कि वंस वो प्रोडक्ट मोल्डिंग के टाइम में यूज होता है, सो द इफेक्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी लाइफ टाइम हो जाता है, परमानेंट हो जाता है. बार बार उसको करने का जरूरत नहीं पड़ता है. एक बार डाला मैन्युफैक्चरिंग के टाइम और प्रोडक्ट पूरा एंटीमाइक्रोबियल होगा पूरा लाइफ टाइम के लिए. सिमिलरली सिमिलरली अगर मैट्रेस की बात करूँ, मैट्रेस पॉलीयुरेथेन से बना होता है. इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर. दो पॉलीमर का रिएक्शन से वो बनता, दो मोनोमर का रिएक्शन से वो बनता है, एक पॉलीओल एक आइसोसाइन. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाया है, वो डालना पड़ता है उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में. तो उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो फोम बनता है, फोम पूरा जब निकलता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, वो एंटीमाइक्रोबियल है. तो हमारा जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, आप देखेंगे काफ़ी टेक्नोलॉजी हैवी है, एंड मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में डालने के कारण उसका लाइफ टाइम पूरा परमानेंट होता है, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी पूरा परमानेंट होता है. सिमिलरली हम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में भी बहुत सारे कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे सीका हो गया, रेजिनोवा हो गया, जिनके लिए हम मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं फॉर देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. तो डॉक्टर अनुसूया, मुझे ये भी बताइए, आपकी कोविड के दौरान हमने डिसइंफेक्टेंट की बहुत बात सुनी और शायद तब से ये और भी मदद मिली होगी इसमें आपको भी, तो अब क्या स्थिति है जो हमारा मार्केट है, क्या हम प्री कोविड डेज में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो जुखाम वो वायरस तो गया नहीं, वो तो है ही अभी भी. सो आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा समझाइए अब क्या स्थिति है इन प्रोडक्ट्स के लिए हमारे देश में, क्या लोग अवेयर हैं और क्या लेना चाह रहे हैं. हमने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है हम लोगों का, क्योंकि हमने कोविड टाइम से ही शुरू किया था. इंसिडेंटली मेरा PhD जब खत्म हुआ था और कोविड जब आया था, दैट वाज वेरी नेक टू नेक. तो जब मैंने नैनोसेप शुरू किया था, तब वी स्टार्टेड इन द कोविड टाइम्स. तो हमने पहला एक मास्क बनाया था कोविड के टाइम में, एनसेफ मास्क करके. इट वाज द फर्स्ट मास्क व्हिच कुड न्यूट्रलाइज द SARS-CoV-2 वायरस. उस टाइम में कोविड वायरस बहुत जब चल रहा था, उस टाइम में हमारा मास्क जो था वो कोविड वायरस को डीएक्टिवेट कर सकता था, ये सेम टेक्नोलॉजी के साथ, एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी. तो ये मास्क जब हमने लॉन्च किया, हमने देखा कि कई सारे इसका रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्टार्टेड ऑर्डरिंग आवर मास्क.
तो तब हमें लगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मास्क पे सीमित नहीं रहना चाहिए, एंड तब जाके हमने सोचा कि क्यों ना ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ मास्क नहीं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे लेके आएंगे, जैसे कि पॉलीमर ग्रैन्यूल्स हो गया, तो सारे प्लास्टिक्स को हम एंटी माइक्रोबियल कर सकते हैं, सारे टेक्सटाइल को एंटी माइक्रोबियल कर सकते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एंटी माइक्रोबियल कर सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस वहीं से है। कोविड के टाइम जो एंटी माइक्रोबियल और जो नेसेसिटी हमें सिखाया गया था, मतलब हम लोगों का मास्क और सैनिटाइजर्स बिकेम अ डेली पार्ट, डेली हमारा डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया था। सो वो एंटी माइक्रोबियल का सेंसिटिविटी अभी भी मार्केट में है, एंटी माइक्रोबियल का डिमांड कोविड टाइम से अभी भी मार्केट में है। मार्केट चाहते हैं कि कोई नया एंटी माइक्रोबियल हम लेके आए जो न्यूट्रलाइज सारे माइक्रोब्स को कर सकते। ओके जी डॉक्टर अनुसुईया, सपोज अगर एक नॉर्मल बॉटल है प्लास्टिक की या स्टील की या कांच की लोग यूज कर रहे हैं, और जो आपकी ये एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी से बनी अगर बॉटल है, प्राइस डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि अगर कॉमन मैसेस तक पहुंचना है ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है? बहुत ही कम एक्सपेंसिव पड़ता है, ये ज्यादा कॉस्ट नहीं है। हम लोग अभी B2B को ही कैटर कर रहे हैं, वी आर कैटरिंग ओनली टू द B2B इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग वाटर बॉटल डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो इंग्रेडिएंट जिसके लिए वाटर बॉटल एंटी माइक्रोबियल बन सकता है। तो उसके जो प्राइस डिफरेंस होता है वो बिल्कुल ही नॉर्मल मार्केट स्टैंडर्ड, अभी तक तो इंडिया इम्पोर्ट कर रहा था, तो वी आर एक्चुअली चीपर 4 to 5 times less than what India was importing, because वहाँ पे जब import करते हैं तब हम जानते हैं dollars में करते हैं तो उसका rate भाव बहुत ही ज़्यादा होता है, हम लोग उससे at least 4 to 5 times cheaper है, but अभी हम लोग B2B industry को ही cater कर रहे हैं। Challenges बताइए, क्या challenges आप लोग face कर रहे हैं अभी? Challenges ये एक बहुत interesting भी है चीज़ भी है, challenge भी है, कि हम कई सारे जो टेक्नोलॉजीज अभी हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने बोला सिर्फ हमने एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी में अभी लिमिटेड नहीं है, हम लोग इसको कई सारे मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी में इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो हमने देखा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कि हमने देखा कि इंडिया में कमर्शियलाइजेशन का फोकस बहुत कम है, रिसर्च जब होता है लैब में होता है और लैब में ही रह जाता है, बट हमारा जो USP है कि हम लोग उसको कमर्शियलाइजेशन तक लेके जाते हैं, कोई भी रिसर्च हो, कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी हो, कोई भी मटेरियल साइंस रिसर्च हो। तो क्या होता है कि ये जो हम करते हैं ये बहुत सारे कम कंपनीज में ही, ये R&D का जो फोकस है वो बहुत कम कंपनीज के R&D टू कमर्शियलाइजेशन फोकस करते हैं। सो वी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट इन दैट स्पेस, कि हम लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो कमर्शियल तक जाए, ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंडेट है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी चैलेंज बिकॉज द माइंडसेट हैज नॉट डेवलप्ड दैट फार दैट इंडिया। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि विदेश से हम टेक्नोलॉजी अभी भी मंगवा रहे हैं जबकि हमारे देश में उपलब्ध है, और आप जैसी धाकड़ बेटी ने देश के लिए किया है। सो डॉक्टर अनुसुईया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, साथ ही आपकी टीम के मेंबर्स डॉक्टर मंगला जोशी के बारे में भी पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी कि आप लोग टीम एफर्ट से इतना ये कर रहे हैं अपने देश के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी रिसर्च ही बढ़े और आपका कारोबार भी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।